व्हाट्सअप गाइड, कैसे हो आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। मैं अंशुमान सिंह, हाल की मेरी पहली वीडियो है और आशा करता हूँ कि आप लोगों का स्नेह और प्यार मुझे मिलेगा। मैं एक छोटा सा कदम बढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, कुछ नई चीज़ें ला रहा हूँ एचटीएमएल और इसके इतिहास के बारे में। तो आज से हम अपना ये जो यूट्यूब चैनल है, इसको कई सारे मेरे फ्रेंड्स ने कहा भाई तू बना, तो मैंने उन सब की बातों को सुनकर स्टार्ट किया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम पूरा HTML, CSS और JavaScript के बारे में बात करेंगे, उसके आगे jQuery के बारे में बात करेंगे और थ्योरीली जो उनके प्रैक्टिकल जो होगा वो प्रैक्टिकल भी करेंगे और जो भी थ्योरी होगी उसे पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ HTML और इसके इतिहास के बारे में आपको। तो भाई जान लो आप कि HTML जो भी होती है प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज मानी जाती है, या होती भी है ये। और ये क्या करती है, यह किसी वेब कंटेंट को डिज़ाइन करती है, यानी कि वेब पेजेस के कंटेंट को डिज़ाइन करने के लिए बनाई जाती है, ये यूज़ की जाती है। और इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे चलते हैं तो इसकी हिस्ट्री क्या कहती है कि 1880 ईस्वी में IBM में HTML नाम का एक बीज दिखा था, एक छोटा सा पौधा HTML में आया था, इसलिए इस नोन बाय जीएमएल, और तब ये जीएमएल यानी कि जनरल मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानी जाती थी। और तब बाद में आगे जाकर 1989 में इस लैंग्वेज को फिर से नया नाम दे दिया गया, जिसका नाम था SGML यानी कि स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो कॉन्सेप्ट था ना भाई, ये ISO ने दिया था। और जो HTML के फादर माने जाते हैं सर टिम बर्नर्स-ली और उनकी टीम ने इसको रीडिज़ाइन किया था, इस लैंग्वेज को फिर से बनाया था, और तब जाके उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था भाई, HTML। और तो भैया इनकी शक्ल है भाई, देख लो कितने अच्छे हैंडसम लग रहे हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया भी कहता है HTML इज द SML ऑफ क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन विद CSS एंड JavaScript एंड jQuery फॉर द WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो आगे चलते हैं भाई, आगे जैसे ही हम पहुँचते हैं भैया, तो यहाँ पे देखते हैं HTML। तो ऑब्वियसली HTML में जान लो आप क्या क्या होता है। तो सबसे पहले HTML इज द कंप्लीट कोड पैकेज दैट अलाउ टू यूजर क्रिएट वेब पेजेस टेक्स्ट ग्राफिक्स एड लिंक्स टू द योर वेब। तो भाई HTML क्या करता है, HTML एक ऐसा कोड का पैकेज होता है जो कि वेब पेजेस टेक्स्ट और ग्राफिक्स और जो भी लिंक्स होती हैं वो, जैसे कि हाइपर लिंक हो, सेगमेंट हो, कोई इमेज हो गया, उसको क्या करता है वेब पेजेस से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो भाई अब हाइपर डोमेन के HTML में एक एक वर्ड की मीनिंग में बताऊंगा। पहला है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट इज दैट यूज टू लिंक वेब पेजेस। जो हाइपर टेक्स्ट होता है भाई, ये एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो लिंक होती है वेब पेजेस की, विच ऑन क्लिकिंग ओपन न्यू पेजेस, जिस पे हम क्लिक करके नए वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। अब मार्कअप क्या होता है, इट मीन्स हाईलाइटिंग द टेक्स्ट आइदर बाय अंडरलाइन और डिस्प्लेइंग इन द डिफरेंट कलर और बोथ। मार्कअप मतलब भाई कुछ ज़्यादा नहीं होता है, मार्कअप मतलब जैसे कोई भी एक पेज है उसके अंदर कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसी चीज़ जो कि हाईलाइट की गई हो या हमें दिखाई जा रही हो कि वो भाई ये यूज़र जो हो वो, यानी कि जो एडमिन हो, हमें दिखाना चाहता नहीं भाई ये देखो तुम्हारे लायक है ये, तो उसे आप ऑफिशियली हम अंडरलाइन कर देंगे या उसको हाईलाइट कर देंगे जैसा हम बुक्स में करते हैं। तो भाई लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज भाई इट रेफर्स टू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेजेस। भाई क्या करता है कि जो लैंग्वेज होती है ना भाई, वो वेब पेजेस और क्लाइंट के बीच का एक कम्युनिकेशन होता है, यानी कि आपसी तालमेल। तो जो क्या करता है कि हमारे और वेब पेज के कंटेंट को हमें दिखाना क्या कार्य करता है। एंड और भाई एक बहुत ज़रूरी बात, HTML फाइल को सेव करने के लिए .htm.html.shtml.shtm.xhtml और XHTSTA आदि नामों से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमें HTML नाम से ही सेव करना है, और .htm ये सब अलग अलग फाइलों को सेव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं अभी तक, ठीक है। तो उसके बाद जब हम आगे, अब भाई ये तो सब जानते हैं भाई HTML क्या है, HTML इज ए टैग बेस्ड लैंग्वेज। तो टैग्स क्या होते हैं, तो भाई टैग्स जो होते हैं ना, कोड का एक भाग होता है भाई, जिसके बीच में क्या होता है कि HTML में टैग्स को लिखे जाते हैं और जो कि वेब ब्राउज़र में इंटरप्रेट होते हैं, यानी कि वेब ब्राउज़र को समझाते हैं। और हाँ, हालांकि मैं आगे आपको सी प्रोग्रामिंग के वीडियो बताऊंगा, तो वहाँ पे इंटरप्रेटर कंपाइलर सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो क्या करता है ये कि ये वेब ब्राउज़र को, मतलब वेब ब्राउज़र को कहता है भाई ये मैंने, इस बंदे ने कोड लिखा है और इसको तुम अपने ऊपर दिखाओ, यानी कि ये उसको इंटरप्रेट करता है मशीन लैंग्वेज में, जो कि फिर वेब ब्राउज़र पे हमें दिखाई देती है। तो एक कंप्लीट टैग हैविंग एन ओपनिंग टैग एंड
क्लोजिंग टैग भाई, एक कंप्लीट टैग क्या होता है उसका एक भाई ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा, और जिसके क्या कहते हैं एलिमेंट कहते हैं, जो एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। और उन एलिमेंट्स के अंदर भाई हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। इन टैग्स दैट कॉन्टेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइक फॉर्मेटिंग इफेक्ट अलाइनमेंट कलर ETC। तो भाई ये क्या होते हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। भाई एट्रीब्यूट भी दो टाइप्स के होते हैं, मैं आपको बता दूं। एट्रीब्यूट में क्या होता है कि एक भाई नेम होता है और एक वैल्यू होती है। एट्रीब्यूट में जो नेम होता है, जैसे कोई कलर हो गया भाई, अब जो कलर है, अब कलर हो गया तो कलर तो हमने सपोज दैट ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब उसकी वैल्यू क्या डालेंगे भाई, वैल्यू जैसे उसकी रेड हो गई, ब्लू हो गई, ग्रीन हो गई, जो भी आपके मन में है वो डाल सकते हो। तो भाई टाइप ऑफ टैग, तो बेसिकली जो टैग होते हैं ना भाई, वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कंटेनर टैग, यानी कि कंटेनर टैग की बारे में बात करें तो भाई एक तरफ से ओपनिंग क्लोज होगा और एक तरफ से क्लोजिंग टैग होगा। ठीक भाई, एक तरफ टैग को ओपन करेंगे फिर एक बार टैग को क्लोज करेंगे। अब भाई दूसरा क्या होता है भैया हमारा, दूसरा होता है भैया सेल्फ क्लोजिंग टैग या एम्प्टी टैग। तो उम्मीद करता हूँ सेल्फ क्लोजिंग टैग या एम्प्टी टैग क्या होता है भाई, उसमें हमें एक ही बार टैग ओपन किया और उसी में ही हम क्लोज कर देंगे। तो व्हाट इज कंटेनर एलिमेंट, यहाँ पे तो आपको कुछ आइडिया आया होगा, क्वेश्चन आया होगा, तो आज ये देख लेते हैं। इन HTML दैट दैट टैग इंक्लूड बोथ ऑन ऑफ टैग आर कॉल्ड कंटेनर टैग और एलिमेंट्स, जो हमने पीछे भी बात की। सेल्फ क्लोजिंग ब्रैकेट तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, HTML और HTML ये कंप्लीट टैग है। ठीक है, अब भाई बात क्या आती है कि कई सारे प्रोग्रामर्स क्या करते हैं भैया, एक बार HTML लिखे फिर उसके बाद HTML को क्लोज। हाँ भाई, HTML में कोडिंग करने का एक बहुत बड़ा खतरा होता है भाई। HTML आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह एरर नहीं देता है भैया, ये सीधा खतरा कर जाता है और हमें समझ में भी नहीं आता कहाँ गलती हुई है। तो कोडिंग करने का सही तरीका क्या है, अब जैसे हमने कोई एक टैग ओपन किया फिर भाई उसको सबसे लास्ट में बंद कर देंगे। ठीक है, अब जो भी टैग ओपन करेंगे उस टैग के अंदर ओपन करेंगे भाई। ठीक है, अब टैग टू को क्लोज कर दिया, टैग थ्री ओपन किए, टैग थ्री को क्लोज कर दिया। तो ये करेक्ट वे होता है भैया कोडिंग का। अब बात आती है आगे, व्हाट इज एम्प्टी टैग। अब भाई एम्प्टी टैग में क्या होता है भैया, एक ही बार वो क्या करना होता है आपको, जैसे कि टैग ओपन किया और उसी में स्लैश लगा के क्लोज बंद कर सकते हैं, या स्लैश ना भी लगाएं तो भी काम चल जाता है। इसके जो एग्जांपल्स है ना भाई, जैसे VR टैग हो गया, HR टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, तो ऐसा इमेज एसासी। ठीक है, और भाई अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट बनाना है या नोटपैड HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम नोटपैड ले लें, नोटपैड प्लस ले लें, कोई भी ID ले लें, सब लाइन भी ले सकते हैं, तो कई सारी आइडिया हैं। और हाँ भाई, अगर हमें HTML के जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसे हमें देखना हुआ तो भाई हम ऑफिशियली उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम या किसी भी ओपेरा ब्राउजर, भाई तो ब्राउजर किसी भी ब्राउजर पे, UC ब्राउजर किसी पे भी रन करके देख सकते हैं। अब आगे आते हैं एट्रीब्यूट्स की बात, यहाँ पे हम थोड़ा डीपली करेंगे। An attribute is a property value that modified an HTML value attribute appear inside the opening tag and their values always inside the quotation mark. भाई यहाँ पे तो बड़ा खतरा होता है भैया। अब जैसे भाई हमें एग्जाम्पल ले लिए, फॉन्ट साइज 4 कलर ब्लू। अब भाई क्या करेगा, इसमें जो फॉन्ट साइज है वो भाई उसका नेम हो गया, एट्रीब्यूट का नेम हो गया, और जो 4 है उसकी क्या है, वैल्यू है। अब भाई अगला क्या है, कलर। कलर भाई वो एट्रीब्यूट का नेम हो गया, और ब्लू क्या है, उसकी कलर की वैल्यू है। हेयर इज ए पैन, हेयर इज फॉन्ट इज टैग एंड कलर इज एट्रीब्यूट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं भैया, तो देखते हैं यहाँ पे हम हेड टैग के बारे में। तो क्या करता है हेड टैग, क्या करता है, डिफाइन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। भाई हेड टैग क्या करता है, बस क्यों उसका काम होता है भाई इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन यानी कि जो डॉक्यूमेंट बनाए उनकी इंफॉर्मेशन को शो करना। उसके बाद भाई टाइटल क्या होता है, जो भाई टाइटल होता है ना वो डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट कैसा है, डॉक्यूमेंट का टाइटल कैसा है। ठीक है भाई, उसके बाद स्टाइल क्या होते हैं भाई, स्टाइल तो बेसिकली कुछ नहीं होता है। स्टाइल में क्या होता है, जैसे हम कोई CSS फाइल डाल दिए भाई, तरीका दिखने का तरीका कैसा है, लुक्स कैसा है, हमारा वेब पेज कैसा दिखना चाहिए, आकर्षक लग रहा है या नहीं लग रहा है। बेस क्या होता है भाई, डिफाइन ए डिफॉल्ट एड्रेस और डिफॉल्ट टारगेट लिंक ऑन ए पेजेस। भाई ये क्या करता है, डिफॉल्ट एड्रेस को, यानी कि कोई हम अपने एक वेब ब्राउजर ओपन किया वहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल दिए जिससे हमें दूसरे वेब पेज पे जाना हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बेस यूज करते हैं, होता है लिंक। भाई लिंक बड़ी खतरनाक चीज़ है, लिंक में भाई मेरी कई बार गलतियाँ हो चुकी हैं। लिंक टैग जो होता है भाई, ये ऑफिशियली तो भाई सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, मैं आपको बता दूँ। और लिंक के अंदर अगर आप कुछ लिखते हैं
फिलहाल कुछ लिख सकते नहीं है। लिंक क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर में जैसे हमने कोई सी एस एस फाइल बनाई है, जो सी एस एस फाइल रखी है यार, कि हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, हालांकि बूटस्ट्रैप तो अभी नया होगा आपके लिए, लेकिन मैं बता दूं अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो लिंक होता है उस पर सी एस एस फाइलें, जो हम सी एस एस फाइल जैसे एक्सटर्नल सी एस एस देते हैं, तो वो लिंक करवाने के लिए या कोई अदर डायरेक्टरीज को लिंक करवाने के लिए काम में आती है। मेटा क्या होता है भाई, ये मेटा डेटा अबाउट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट मेटा डेटा को डिफाइन करता है। स्क्रिप्ट क्या होती है भाई, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है स्क्रिप्ट भाई, हमारा जो क्लाइंट होगा वो किस तरह के डेटास को यूज़ करता होगा या कई सारी चीज़ें वो यूज़ करता होगा, तो उसके लिए भाई हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम कई सारी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गई, जेक्वेरी भी हो गई, तो ये सारी चीज़ें भाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं या यूज कर सकते हैं। अब भाई हाँ, नो स्क्रिप्ट ये अच्छा टैग है, अगर किसी ब्राउज़र में जावा स्क्रिप्ट को ऑफ कर दिया जाता है तो वहाँ पे हम नो स्क्रिप्ट टैग अगर लगाए रहेंगे तो भाई हमें एक अलर्ट में मैसेज शो करेगा भाई जावा स्क्रिप्ट ऑफ है या जावा स्क्रिप्ट को क्लोज है या जो भी हम उसके अंदर लिखे रहेंगे वो। अब भाई लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट ए फॉर्म, आप लोग हमें एक फॉर्म बना के दिखाएंगे HTML से, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और HTML की ऐसे इतिहास को जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।